नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे सड़क किनारे खुले निजी और सरकारी स्कूलों को लेकर बिहार सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। उस पूरे गाइडलाइन के बारे में, पूरे देश में कोरोना के कहर के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि अब धीरे धीरे 10वीं क्लास से ऊपर के बच्चों को स्कूलों में जाने की अनुमति दी गई है। ऐसे में बिहार सरकार ने सड़क किनारे स्थित स्कूलों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस गाइडलाइन के तहत सरकारी और निजी स्कूलों यानी कि दोनों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि स्कूल खुले होने के दौरान जब बच्चे स्कूल से बाहर जाते हैं या फिर बाहर निकलते हैं तो वह अचानक से सड़क के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश पर अब परिवहन विभाग रोड सेफ्टी के तहत नई गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसे राज्य के सभी स्कूलों को फॉलो करना होगा। साथ ही सड़क किनारे के स्कूलों के लिए सुरक्षा किस तरह से हो, इसको लेकर भी पथ निर्माण विभाग को भी इस गाइडलाइन के तहत जिम्मेवारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, सड़क किनारे स्कूल के पास किसी तरह की कोई सड़क दुर्घटना नहीं हो, इसको लेकर जिलाधिकारियों को भी निगरानी करनी होगी। इस संबंध में सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजा जाएगा और हर 3 महीने पर एक बैठक भी करनी होगी। स्कूल प्रबंधन को भी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा कि छुट्टियों के दौरान बस और ऑटो स्कूल परिसर में ही बच्चों को बिठाएं। इस जारी गाइडलाइन में सभी विभाग के जिला प्रशासन को जिम्मेवारी तय की जाएगी, ताकि स्कूल से बच्चे घर सुरक्षित पहुंच सके। आपको बता दें कि प्रदेश में सरकारी व निजी स्कूलों में रोड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त अभियान के तहत NH के 30 स्कूलों के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण इस अभियान को गति नहीं मिल पाई। लेकिन अब बनाई जा रही नई गाइडलाइन में पथ निर्माण विभाग को बड़ी जवाबदेही दी गई है। तो आइए आप जान लेते हैं उस गाइडलाइन के तहत कौन कौन से नियमावली रखी जाएगी। जहां स्कूल होंगे वहां पर बच्चों को सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम है, इसके तहत हर स्तर पर जांच की जाएगी। इस नई गाइडलाइन के तहत इस तरह की नियमावलियों की बात कही गई है। मध्य विभाग के अधिकारियों को मिलकर सुरक्षा रिपोर्ट बनेगी, जिसमें रोड सेफ्टी के तहत आगे काम होगा। जरूरत पड़े तो स्कूल के पास फुट फ्लाई ओवर भी बनवाया जाएगा। रोड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, साइन बोर्ड, गति सीमा तय की जाएगी, ताकि गाड़ी की रफ्तार स्कूल के पास धीमी हो। स्कूल के पास पेट्रोलिंग की भी सुविधा होगी। स्कूल प्रबंधक को भी बच्चों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। जब तक बच्चे वहां से निकल नहीं जाएं, तब तक स्कूल प्रबंधक को उनकी निगरानी करनी होगी। बस, ऑटो या फिर अन्य वाहनों से जाने वाले बच्चों को स्कूल के गेट या फिर गेट के अंदर लेना होगा, या फिर या तो स्कूल के अंदर उन्हें बैठाना होगा, इसके बाद ही वो बाहर जा सकते हैं। बस सड़क पर लगाकर बच्चों को नहीं बिठाना होगा, इस तरह की गाइडलाइन जो है इसमें जारी की गई है। बस चालकों के लिए भी गाइडलाइन के तहत उन्हें काम जो है वो बताया गया है। तो ये थे सरकारी और निजी के बारे में गाइडलाइन, जो कि जो वैसे स्कूल जो सड़क के किनारे स्थित हैं उसके लिए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।